साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई कतर से रिलेटेड। कतर से आपको पता है फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। इंडिया से कितनी फ्लाइटों का शेड्यूल है, कितने बंदे आएंगे, किन किन एयरपोर्ट पे उतरेंगे, इंडिया में कहां कहां से फ्लाइट लैंड होने वाली हैं और उनका टाइम टेबल क्या है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कतर के लिए। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कतर से। आपको पता है साथियों, आने वाले जो 16 मई से 23 मई के बीच में लगभग 30,000 बंदे रिकवर करने हैं 31 कंट्रियों से लगभग 150 फ्लाइटों के माध्यम से। तो आपको पता है भाई, हिस्सा तो थोड़ा थोड़ा आना है, नो डाउट। इसमें जो इमरजेंसी हैं, जिनको सख्त आवश्यकता है, उन्हीं को पहले लाया जा रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी। बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे, वीज़ा एक्सपायर वगैरह, उनको लाया जा रहा है, ठीक है। तो उनका नंबर आएगा तो मैं पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपके स्टेट में कौन कौन से टाइम से कब कब फ्लाइट आने वाली है आपको पता चल जाए। फर्स्ट फ्लाइट साथियों कतर से स्टार्ट होगी, कतर से शुरुआत करेगी दोहा से। कतर की राजधानी आपको सबको पता ही है, वहाँ से स्टार्ट होगी 20 मई को। वहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होगी जो इंडिया में पहुँचेगी तेलंगाना हैदराबाद हवाई अड्डे पे लैंड करेगी, जिसमें साथियों मैं बता दूं आपको 13:08 में वहाँ से निकलेगी, यानी रात को 1:08 में कतर से निकलेगी, जो इंडिया पहुँचेगी 19:50 में, यानी लगभग फ्लाइटें नाइट में हैं भाई ये आप ध्यान रखें। वहीं आपको लैंड किया जाएगा तेलंगाना हैदराबाद में। 177 यात्री इसमें एक साथ में फ्लाइट करेंगे। जी हाँ साथियों, ये फ्लाइट का फर्स्ट में शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कतर से रिलेटेड। आगे नेक्स्ट फ्लाइट में साथियों बताऊँ आपको, 20 मई की दोबारा एक फ्लाइट है जो दोहा कतर से ही है। ये साथियों आंध्र प्रदेश की स्टेट की फ्लाइट रहेगी, विशाखापट्टनम में फ्लाइट लैंड होगी हवाई अड्डे पे। इसमें बात करूं तो 12:00, यानी वहां से रात को ये निकलेगी फ्लाइट और इंडिया में 19:15 में लैंड करेगी। इसमें 137 यात्री एक साथ में फ्लाइट करेंगे। जी हां साथियों, थर्ड में बात करें साथियों, 22 मई की एक फ्लाइट और है कतर दोहा से। ये फ्लाइट साथियों कर्नाटका से स्टेट से है और ये बेंगलुरु फ्लाइट लैंड करेगी, जिसमें 13:38 में वहाँ से निकलेगी कतर से दोहा से और 20:05 में ये पहुँच जाएगी। 177 यात्री इसमें एक साथ में फ्लाइट करेंगे। ये है 22 मई की बात। 24 मई को फिर एक फ्लाइट है साथियों, इसमें कतर दोहा से एक फ्लाइट निकलेगी जो बिहार के लिए है। बिहार जो गया है एयरपोर्ट, वहाँ पे फ्लाइट लैंड करेगी। इसमें मैं बता दूं आपको 24 तारीख को यानी रात को निकलेगी 18:00 और 25 तारीख यानी डेट चेंज हो गई, सुबह पहुंचेगी 6:30 में। 137 यात्री इसमें एक साथ में फ्लाइट करेंगे। एक फ्लाइट साथियों ऐसी है जिसमें शेड्यूल दिया गया है कि कतर के लिए फ़्लाइट है, लेकिन उसमें टाइम टेबल और यात्रियों की संख्या नहीं दी गई। हो सकता है फ़्लाइट अभी पूरी बुकिंग नहीं हुई होगी या कोई रीज़न हुआ होगा, इस वजह से ये पूरी जानकारी नहीं है। बाकी 5 फ्लाइट हैं कतर से रिलेटेड, तो आपको मैंने डिटेल बता दी। आने वाले 7 दिन में ये फ्लाइटें आने वाली हैं, कहां कहां आने वाली हैं आपको वीडियो शायद अच्छा लगेगा। नेक्स्ट में जैसे ही मेरे पास कोई कतर से रिलेटेड कोई जानकारी आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।